सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड बट चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। एम्प्लॉय अक्सर अपने PF खाते को लेकर परेशान रहते हैं, खासकर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले ज़्यादातर एम्प्लॉई EPF के साथ मिलने वाली पेंशन के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपका PF कटता है तो आपको कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ मिलना तय है। रिटायरमेंट के बाद नियमित ज़रूरतों के लिए पेंशन भी बहुत अहम होती है। एम्प्लॉई की सैलरी से कटने वाली रकम दो खातों में जाती है, पहला प्रोविडेंट फंड यानी EPF और दूसरा पेंशन फंड यानी EPS। कर्मचारी की सैलरी से कटने वाला पैसा 12% कर्मचारी EPF में जमा हो जाता है। इसके अलावा कंपनी की ओर से 3.67% EPF में जमा होता है और बाकी 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं। अपने PF खाते में जमा रकम को कोई भी कर्मचारी तय समय के बाद ही निकाल सकता है, लेकिन पेंशन की रकम निकालने के लिए नियम सख्त हैं क्योंकि यह अलग अलग स्थिति में तय होते हैं। अब अगला सवाल आता है कि पैसा कब निकाला जा सकता है। अगर नौकरी 6 महीने से ज़्यादा और 10 साल से कम है तो फॉर्म 19 और 10C जमा करके PF रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं। अगर आप अपना PF खाता बंद करते हैं तब भी आपको यह पूरी राशि दे दी जाती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह नौकरी बदलते हैं और दूसरी जगह पुराने पैसे को ट्रांसफ़र करवाने के बजाय सारी रकम निकाल लेते हैं। अगला सवाल है, नौकरी 10 साल से अधिक हो तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपकी नौकरी 10 साल से ज़्यादा की हो गई है तो आप अपने PF के साथ पेंशन की रकम नहीं निकाल सकते हैं। EPFO के नियम के अनुसार अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाते हैं। इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा, मतलब कि आपको जीवन भर पेंशन तो मिलेगी लेकिन पेंशन का हिस्सा रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल पाएंगे। अगला सवाल है, तो क्या रिटायरमेंट पर भी पेंशन मिलेगी। अगर आप 10 साल से कम की स्थिति में पेंशन के हिस्से को निकाल लेते हैं तो याद रखिए आप इसके बाद पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे। PF के साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है फुल एंड फाइनल PF सेटलमेंट, और ऐसे मामलों में आपका PF खाता नंबर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इस कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल आता है, PF ट्रांसफ़र करने की स्थिति में पेंशन की रकम का क्या होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN आने के बाद एम्प्लॉय के लिए PF का पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाना बेहद आसान हो गया है। नई कंपनी में केवल UAN देने से पुरानी कंपनी का PF खाते में जमा हुआ सारा पैसा नए खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन पेंशन खाते में जमा पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। नौकरी बदलने पर केवल PF खाता बदलता है, UAN हमेशा एक ही रहता है। अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री हो, आप पेंशन की रकम को कभी भी किसी हालत में नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर अलग अलग जगह नौकरी करते हुए भी आपकी सर्विस 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ वेतन मिलने लगेगा। अब सवाल आता है कि पेंशन खाते का पैसा क्यों ट्रांसफ़र नहीं होता है। पेंशन खाते में जमा पैसा दरअसल सरकार के खाते में जाता है। कर्मचारी की ओर से नौकरी बदलने पर केवल सेवाएं ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसे में सर्विस के दौरान PF खाते में जमा राशि ही केवल नए खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, पेंशन खाते का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। एक UAN का एक पेंशन अकाउंट होता है। ऐसे में PF खाते लगातार बदलने के बाद भी पेंशन खाते में लगातार रकम जमा होती रहती है। पेंशन खाते में जमा रकम से कर्मचारी को क्या बेनिफिट है। सरकार इस खाते में जमा हुई राशि पर कर्मचारी को पेंशन देती है। यह 58 साल की आयु के बाद शुरू होती है। 58 साल की आयु तक इस खाते में जमा राशि और उस पर ब्याज जोड़कर जो राशि बनती है उसकी गणना कर्मचारी को पेंशन देने के लिए की जाती है। 58 साल की आयु के बाद चाहे तो आप पूरी राशि को निकाल सकते हैं या कुछ राशि को निकालकर बाकी पर पेंशन बंधवा सकते हैं। पेंशन के लिए EPFO के नियम व शर्तें क्या हैं। आपकी सर्विस 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन मिलने लगेगी, मतलब 10 साल तक लगातार आपके PF खाते में रकम जमा हुई हो, भले ही इस दौरान आपने कितनी भी नौकरियां क्यों ना बदली हों। 10 साल अगर आपके पेंशन खाते में पैसा जमा हुआ है तो आप पेंशन के लिए हकदार होंगे। नौकरी के 10 साल पूरे ना होने पर पेंशन खाते में जमा रकम का क्या होगा। अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल पूरी नहीं होती है तो आप अपने पेंशन खाते में जमा रकम को रिटायरमेंट के पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस रकम पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा।
दोस्तों अब आपको पेंशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।